हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको लिख लिख के समझा रहा था, बट अब ने यहाँ पर सब कर दिया है, आप सिर्फ देख लो, आप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, नंबर 4 क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 100 डिग्री। द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू इच अदर, फाइंड द मेजर ऑफ दिस इक्वल इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो इसका मैंने क्वेश्चन में यहाँ बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है, उसका एक एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट कितना है, 100 डिग्री है, और जो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है वो इक्वल है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है एबीसी, उसका मैंने एक्सटीरियर एंगल भी ड्रॉ किया है। यहाँ पर देखो ए सी डी, तो ये एंगल ए सी डी जो है यहाँ पर, तो एंगल ए सी डी का मेजरमेंट 100 डिग्री मैंने यहाँ पर ले लिया है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि एक एक्स्ट्रा एंगल है उसका 100 डिग्री मेजरमेंट है। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा एंगल ड्रॉ करके उसके बाद इसका मेजरमेंट 100 डिग्री ले लिया है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि जो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है वो दोनों इक्वल है, तो ये दोनों देखो मैंने इसको इक्वल ले लिया है। इक्वल किस किस तरह पता चल रहा है ना, इसका इसका मैंने एक्स लिया है तो ये भी एक्स है। हमें इतना क्वेश्चन में पता है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो हमने मान लिया कि ये जो एंगल ए है वो एक्स है, तो ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए एंड एंगल एंगल ए और एंगल बी जो है ये क्या है, आर द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, और एंगल ए सी डी इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ मैंने स्टेटमेंट मतलब ये सबका मैंने बताया है कि ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। ठीक है, अब एंगल ए का मेजरमेंट यहाँ पर मैंने लेट लिखा है, लेट एंगल ए इक्वल टू एक्स, एंगल बी का भी एक्स होगा, क्योंकि यहाँ पर तो गिवन था क्वेश्चन में दैट द टू एंगल्स आर इक्वल, क्वेश्चन में यहाँ गिवन था कि दोनों एंगल इक्वल है, इसलिए दोनों एक्स हो गए, ए का भी वैल्यू एक्स होगा, बी का वैल्यू एक्स होगा। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ मैंने लिखा है एंगल ए सी डी इक्वल टू 100 डिग्री, क्वेश्चन में गिवन था। उसके बाद यहाँ पर लिखा मैंने एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, तो रीजन क्यों हुआ ऐसा ना, सम ऑफ द यहाँ पे मैं लिखा हूँ टू, सम ऑफ द टू इंटर ऑपोजिट एंगल इज इक्वल टू द एक्स्ट्रा एंगल, यही हमारा प्रॉपर्टी है, हमने प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखा है। तो एंगल ए सी डी का मेजरमेंट 100 डिग्री है, एंगल ए का वैल्यू यहाँ पर मैंने लिखा है, बी का वैल्यू लिखा है एक्स, तो ये लीनियर इक्वेशन होगी, इसको आप सॉल्व करोगे तो 100 इक्वल टू 2x, एक्स का वैल्यू निकलेगा 50 डिग्री। तो हमारा ए और बी का मेजरमेंट मिल गया, ए का मेजरमेंट हुआ 50 डिग्री, बी का मेजरमेंट हुआ 50 डिग्री, तो हमारा दो एंगल मिल गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ पर देखो, इसका भी मैंने सोल्यूशन यहाँ पर कर लिया है। देखो इन अ ट्राइंगल, क्वेश्चन गिवन है इन अ ट्राइंगल वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज 105 डिग्री, वन ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इज 75 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। क्वेश्चन ने बोला है कि ट्राइंगल है उसका एक एक्सटीरियर एंगल भी है, कितना 105 डिग्री मेजरमेंट का, ए सी डी, देखो यहाँ मैंने ड्रॉ कर लिया है, ये है मेरा ट्राइंगल ए बी सी और ए सी डी है मेरा क्या एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि एक इंटीरियर ऑपोजिट एंगल गिवन कर दिया उसने, तो देखो मैंने इसको कंसिडर कर लिया 75 डिग्री, क्योंकि एक का मेजरमेंट, एक इंटीरियर ऑपोजिट एंगल का मेजरमेंट क्वेश्चन में गिवन है 75 डिग्री, तो मैं इसको मान लिया क्योंकि मुझे पता है ये दोनों ही है क्या इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, तो इसमें से इन दोनों में से एक को, एक का वैल्यू मुझे पता है, मतलब ए का वैल्यू मैंने कंसिडर कर लिया 75 डिग्री, तो मुझे बी का वैल्यू निकालना है, या मैं 30 आंसर निकाला हूँ इसको, मतलब क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्वेश्चन में ये गिवन है, मतलब यहाँ पर जो मैंने ब्लैक कलर में लिखा है ये क्वेश्चन में गिवन है, जो आंसर निकला है वो 30 डिग्री रेड पेन से लिखा है मैंने, रेड पेन से जो आंसर लिखा हूँ वो आंसर निकला है हमारा, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं था, क्वेश्चन में सिर्फ ये गिवन था 75 डिग्री, तो 75 डिग्री हमारा गिवन था। तो देखो स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए एंगल बी और एंगल ए सी बी क्या है, तीनों क्या है, ये 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल है, मैं ट्राइंगल के 3 एंगल है ये, एंगल ए सी डी इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एंगल जो ए सी डी है मतलब ये वाला ए सी डी वो क्या है एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल ए बी सी का, तो एंगल ए का मेजरमेंट हुआ 75 डिग्री क्योंकि गिवन था क्वेश्चन में, एंगल ए सी डी का भी मेजरमेंट कितना 105 डिग्री क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था। अब मैंने यहाँ पर जो लिखा है एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, किससे क्यों हुआ, रीजन क्या, वही सेम रीजन आप यहाँ पर लिखो, क्या लिखोगे, वही सेम रीजन लिखना है आपको, सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिख दो, रीजन लिख दोगे तो यहाँ पर देखो इक्वेशन है, एंगल ए सी डी का वैल्यू मैंने लिखा है 105 डिग्री, फिर यहाँ पर देखो
एंगल ए का वैल्यू 75 डिग्री क्वेश्चन में गिवन था, एंगल बी का हमको निकालना है। तो एंगल ई बी का वैल्यू निकल गया, देखो 30 डिग्री निकलेगा, ठीक है। तो जैसे ही एंगल बी का 30 डिग्री वैल्यू निकला, देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, तो ट्राइंगल का कितने एंगल है, ये वाला, ये जो ट्राइंगल ए बी सी है उसके 3 एंगल कौन कौन से हैं, ये वाला ए और ये बी और कौन सा, ये वाला, मतलब इसका फुल नाम देते हैं, क्योंकि सी अगर बोलोगे तो टोटल को समझेगा। तो ये बस मतलब इतना ही पार्ट ना है, इतना ही, जो कहने का मतलब ये इतना ही पार्ट तुम्हारा ट्राइंगल एबीसी का ही एंगल है ना, तो ये वाला पार्ट, ये इतना ही एंगल रिप्रेजेंट करता है ट्राइंगल एबीसी का, मतलब ये वाला एंगल होगा, ये तो होगा, ये होगा, ये होगा और ये इतना होगा, ये टोटल नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ इतना ही होगा, क्योंकि ये एंगल ही ट्राइंगल ट्राइंगल एबीसी का थर्ड एंगल होगा। तो ये फर्स्ट एंगल ट्राइंगल एबीसी का फर्स्ट एंगल ये है, ट्राइंगल एबीसी का सेकंड एंगल ये है, और जो थर्ड एंगल है बच्चों, ये इतना ही होगा, ये टोटल नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ इतना ही। तो इतना नहीं, सिर्फ इतना एंगल का नेमिंग क्या देना पड़ेगा, सिर्फ सी देने से तो नहीं चलेगा, सी का मतलब टोटल को समझेगा, बट हमें समझना है इतना को। तो क्या नेमिंग होगा इसका बताओ, ए सी बी, ऐसे भी देख सकते हो नेमिंग, इसलिए मैंने पहले यहाँ पर लिख दिया है कि जो ट्राइंगल, जो ये ट्राइंगल ए बी सी का जो 3 एंगल है वो क्या कौन कौन से है, ए है, दूसरा बी है, तीसरा कौन सा है, ए सी बी, मतलब ए सी बी मतलब ये इतना, ठीक है, समझ में आया। तो देखो यहाँ पर मैंने नीचे लिखा है इन ट्राइंगल एबीसी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180, मतलब ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो आंसर 180 निकलेगा। तो क्यों, रीजन यहाँ पर क्यों, रीजन भी यहाँ पर देखो मैंने बॉक्स लिख दिया है, यहाँ पर रीजन आप लिख दो, क्या लिखोगे ना, सम ऑफ द, यहाँ पर रीजन सम ऑफ द, सम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ऐसे लिख सकते हो, या फिर सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180, सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, आंसर निकल जाएगा ए सी बी का। तो यहाँ पर देखो वैल्यू, ए का वैल्यू मैंने 75 पुट किया, बी का वैल्यू 30 डिग्री पुट किया, और एंगल ए सी बी हमें निकालना था, तो ये दोनों को प्लस करोगे तो वो मतलब कितना होगा, 105 डिग्री होगा, प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180, तो एंगल ए सी बी का जो वैल्यू निकलेगा 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, तो एंगल ए सी बी का वैल्यू हुआ 75 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर, इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।